वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। यार आज का व्लॉग मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ना अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि मैंने ना मंगवाया था स्टिकर जेरी, मतलब जेरी का स्टिकर मैं मंगवाना चाह रहा था। तो वो स्टिकर मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। एक दोस्त से पता किया, वो कहता मिल जाएगा, बनवाना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। मैंने ठीक है यार बना दे, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो स्टिकर जो है ना मुझे अब बना के देगा तो हम उसे लेके आएंगे। तो अभी उसका मैसेज आया कहता बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आ जाओ और मैं आपको बना के देता हूँ। तो मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ के अपने हिसाब से 3D डिज़ाइन करवा के स्टिकर लेके आऊँगा और इतना प्यारा लगेगा ना, मेरे हिसाब से तो प्यारा लगेगा। आप आगे देखेंगे कैसा लगता है, तो अच्छा ही लगेगा मेरे ख्याल से। तो अभी जाते हैं ना, जाके हम स्टिकर लगवाते हैं। अभी इस टाइम बाइक मौजूद नहीं है क्योंकि ना बाइक की मेरे ख्याल से ट्यूनिंग वगैरह करवाने वाली है, तो अभी वो करवाने जाना था लेकिन वो भी नहीं अभी गए। तो उसके अलावा, उसके ट्यूनिंग के अलावा भी ना हमने वो भी काम करवाना था, हाँ बैटरी चार्ज करवानी थी, उसकी बैटरी लो थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी चार्ज करवानी थी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो वो भी नहीं करवाने के, वो भी अभी बाइक यहीं पर खड़ी हुई, तो वो भी जिस दिन ट्यूनिंग करवानी है ना उसी दिन जाके हमने चार्जिंग भी करवा लेनी है उसकी बैटरी, तो वो भी साथ साथ करवा लेंगे। तो अभी जाके ना दोस्त आ रहा है उसके साथ जाते हैं, जाके हम चार्जिंग करवा के आते हैं, चार्जिंग सॉरी कह दिया, वो करवा लगवा के आते हैं स्टिकर। तो अभी चलते हैं, ठीक है ना। अभी गया था मैं दोस्त के पास, तो वो है ही नहीं था दुकान पर। तो उसके अलावा ना मैंने उसका फोन किया, कहता मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा, तो जाते हैं थोड़ी देर तक उसके पास। तो मैंने कहा यार मार्केट का चक्कर भी लगाते हैं, तो मार्केट तो गया था लेकिन यार मैंने ना वहाँ देखी वो विंग लाइट जो सी आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रही है, इन बहुत ज़्यादा हुई है गाड़ियों की वजह से, मतलब कार को ना लगती होती ये वाले मिरर पर लगती होती नीचे, उसके विंग निकलते होते बाहर। तो जिन लोगों को पता होगा, देखा ही होगा उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, तो वो वाली मुझे लाइट पसंद आई थी लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आप थी। तो मैंने कहा यार रहने तो अभी ना इतनी प्राइस की चीज़ नहीं रहनी है, तो वो मैं बाइक के लिए सोचा था लूँ लेकिन ना वो अभी बहुत महंगी जा रही, तो मैंने कहा यार अभी रहने देते हैं। तो अभी ना दोस्त के पास जाएंगे थोड़ी देर तक, तो अभी जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अभी जाके ना खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। दोस्त का फोन आया तो उसने ना कोई घड़ी देखी थी, पता नहीं ऑनलाइन काफ़ी दिन हो गए थे, यार मेरे पीछे पड़ा था, यार कोई ऑनलाइन घड़ी मुझे ना अच्छी सी मिल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रही है। तो मैंने कहा था यार कोई मसले वाली बात नहीं, अभी चलते हैं जाकर घड़ी ले कहते हैं। और स्टिकर का मैंने पता किया, यार स्टिकर ना वो कहते कल मिल जाएगा, क्योंकि ना अभी वो उसके बाद कहता मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कस्टमर है, तो आज नहीं कल मिल जाएगा, कहता आपको कल मैं बना के रख लूँगा और आप कल आगे लगवा देना। मैंने कहा ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं उसके साथ, बाहर खड़ा हुआ तो उसके साथ निकलते हैं जाके हम स्टिकर सॉरी कह दिया उसकी घड़ी लेके आते हैं, अगर मिल गई तो आज ले आएंगे। दो घड़ियाँ पसंद की उनमें से अगर एक भी मिल गई ना तो ले आएंगे जाके। ये ली है वॉच हमने और हमें इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई है, यकीन मानो ये 5-5, 6-6 हज़ार की बिकती है वॉच, इतनी शाइन वाली वॉच। ये कितने की ली है हमने, हैं कितने की ली है ये हमने ली, मैं आपको वही बताता हूँ, 2500 की ली है और नहीं 2800 की सॉरी। तो ये हमें इतनी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गई है, बाकी अपडेट आपको घर जाके देता हूँ। Oh, 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 oh
तो जी मैं वहाँ से तो होके आ चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया क्योंकि ना हमने वहाँ से एक और काम भी जाना था, दो तीन मतलब और काम करने थे जिससे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये मतलब ना मार्केट में इससे अलावा भी हमें काफ़ी ज़्यादा ना कॉपीज़ मिल रही थी लेकिन हमने वो कॉपीज़ नहीं ली। तो ये भी कॉपी है लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है, मतलब ये वॉच है ये रोलेक्स की वॉच है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल गई थी, तो हम इस वजह से हमने ले ली। मतलब पहले हम मार्केट में ढूंढते रहे काफ़ी टाइम, हमें मिल गई थी लेकिन ना वो क्वालिटी उनकी अच्छी है ही थी, तो ये हमें मिल गई थी अच्छी क्वालिटी की, हमने कहा यार यही ले लेते। तो ये हमें मिली थी इसकी, ये स्टोन की मतलब मेरे ख्याल से गारंटी है कि स्टोन इसके उतरेंगे नहीं जल्दी। तो मतलब काफ़ी अच्छी हमें क्वालिटी की घड़ी मिल गई और घड़ी भी बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, मैं आप लोगों को बताऊँ। तो उसके अलावा ना मतलब आप लोग मेरे हिसाब से कि ऑनलाइन इसको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिली थी, तो मैंने इसको कहा था यार टेंशन ना ले मैं आता हूँ, तो हम जाते हैं। इसको भी पता था मार्केट में सस्ती मिलती है यहाँ से, तो ऑनलाइन ज़ाहिर बात सबको ही पता कि मतलब महंगी मिलती है, बल्कि इसको भी पता था, इसने कहा था यार ऑनलाइन महंगी मिल रही है तो यहाँ से आप पता कर लेते हैं। एक मार्केट मैंने इसको बताई, एक उसने मुझे बताई थी, मतलब दोनों को ही मार्केट का पता था। तो जाके हम वहाँ मार्केट में देखते रहे, तो मार्केट में हमें अच्छी लगी ये घड़ी, तो हमने ले ली। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑनलाइन ज़्यादा ही सेल होती है महंगी, और ये होलसेल रेट में हम ले गए हैं, तो मतलब अगर आप कोई खरीदिए दुकानदार भी लेके जाते हैं ना तो वो महंगी ही बिकती होती हैं। तो उसने ये भी मुझे कहा था, कहता ये अब इसकी प्राइस वगैरह अप हो जानी है, मतलब अब इसकी प्राइस वगैरह ना बहुत ज़्यादा अप हो जानी है। तो उसके अलावा अभी मैंने बताऊँ या आप लोगों ने कल गाड़ी देखी होगी फुल गंदी से, तो आज ज़रा गाड़ी की ना फुल क्लीनिंग करवा के हैं, तो ज़रा गाड़ी चेक करें, फुल नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाइक हमारी दोनों यहाँ पर खड़ी हुई है, तो इसको मैंने बाइक को लेके जाना है काम के लिए, वहाँ से हो गया था। और ये देखें यार कल स्टिकर लगाया था तो अभी तक बिल्कुल ओके लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। बल्कि मैंने एक दोस्त को दिखाया भी, वो कहता है ये वो मान नहीं रहा था, कहता यार तूने लगाया, वो नहीं मान, कहता यार किसी और से लगवाया था ना। तो मैंने कहा यार नहीं यार मैंने ही लगाया। तो उसके अलावा यार मैं इसका स्टिकर का हमारा मेन काम था, तो स्टिकर जो सा हमें मिला नहीं आज, तो अब क्या कर सकते, समझ नहीं लग रही है। तो स्टिकर जो सा ना वो कल या परसों तक मिल जाएगा, तो कल परसों तक जाके लगवा लेंगे स्टिकर भी। तो उसके अलावा अब गाड़ी दूसरी वाली भी वॉश करवाने वाली हुई है, वो भी वॉश करवानी है, वो भी करवा के आएंगे किसी दिन जाके। तो उसके अलावा ना अच्छा उसके अलावा ना मेरा दोस्त ना बाइक लेके गया हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि यार थोड़ा ना बाइक में तुम्हारी मसला आ रहा है, तो उसने मुझे बताया तो कल जाके वो भी सही करवाएंगे। अब मैं आज नहीं बताऊँगा आप लोगों को, कल हमने क्या जाके बाइक का सही करवाना, तो आप कल के ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो उसके अलावा जो है ना यार आप लोग मुझे बताओ कि मोटर ब्लॉगिंग कहाँ की जाए, मतलब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ प्लान बन रहा हमारा कि मोटर ब्लॉगिंग जो सी है ना हम करें, मतलब साइकिल वगैरह पे करें, तो मोटर ब्लॉगिंग करेंगे उसको कह सकते हैं, साइकिल ब्लॉगिंग उसको कह सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं हम कि कहाँ पे की जाए, तो मतलब शहर जाया जाए या कहीं दूसरी और जगह पे जाया जाए, तो वो हम देखेंगे जिस हिसाब से हमारा प्लान भी बन रहा है। तो उसके अलावा ना अभी ब्लॉग को कर लेते हैं, एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी नेक्स्ट नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।